मैं नीचे आपका स्वागत है। और दोस्तों, अब समर बहुत तेज आ चुकी हैं, बहुत तेज गर्मी आ चुकी हैं, तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक ठंडा सा फेस पैक, जो जिसको लगाकर आप बहुत ही ज़्यादा ठंडा नेचुरली स्किन और बहुत ही अच्छा महसूस करोगे, बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। दोस्तों, अगर इसको हफ्ते में भी एक बार लगाएं तो आपकी स्किन बहुत निखरी निखरी और बहुत खिली खिली, क्योंकि ये चार चीज़ें हमारे घर में से ही मिल जाएंगी आपको। आपके पास कॉफी पाउडर रहेगा और आपके पास मिल्क रहेगा ही, और मुल्तानी मिट्टी सबके पास रहती है। कोई बाल स्किन के लिए यूज़ करता है मुल्तानी मिट्टी, कोई अपने ईयर के लिए यूज़ करता है, और वाटरमेलन, जो कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा आता है, सभी लोग खाना पसंद करते हैं वाटरमेलन को, यानी तरबूज, तरबूज को सभी लोग इन दोनों में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन चार चीज़ों से मैं आपको एक बहुत अच्छा सा फेस पैक तैयार करके बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से अप्लाई करना है। आप इसको पूरी अपनी बॉडी पर, अपनी पूरी स्किन पर, पूरी बॉडी पर मसाज इससे कर सकते हैं, इसका पैक पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, आइए इसको बना के बताती हूँ। सबसे पहले हम, आप फ्रिज का मिल्क भी ले सकते हैं, आप जो आपके पास आता है सुबह सुबह, या जो पैक आइटम का वो आता है, पैक वाला जो दूध आता है, अमूल का, किसाची का, किसी भी चीज़ का, जो हमें बिल्कुल बिना उसके गर्म किए वाला दूध यूज़ करना है, फ्रिज का हो, ठंडा भी हो, कैसा भी हो दूध, वो यूज़ करना है। ये है मुल्तानी मिट्टी, और ये है तरबूज कटा हुआ अंदर का, और ये है नेस्कैफे। इन चारों चीज़ों से आपको एक बहुत अच्छा सा फेस पैक बताऊंगी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर ली थी मैंने, अच्छी सी दरदरी है, ज़्यादा पीसी नहीं है। और इसमें हम 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। अब इसमें हम कॉफी पाउडर यूज़ करेंगे, जो नेस्कैफे आपके पास 1 रुपए का जो पाउच आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम 1 टेबल स्पून नहीं लेंगे, हम इसमें कम ही कॉफ़ी यूज़ करेंगे, इतनी सी, क्योंकि कॉफ़ी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा निखारता है। इसमें इतने अच्छे हाइड्रॉक्स, इसमें इतने अच्छे स्किन निखारने के लिए बहुत अच्छे तत्व रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कॉफ़ी हमारी स्किन को निखारने में हमारी हेल्प करता है। अब इसे हम तरबूज ले लेंगे, उसे इस तरह से स्पून की मदद से इस तरह से दबा के, आप इसे कद्दूकस करके भी या आप इसका जूस बनाकर भी ले सकते हैं। वैसे वाटरमेलन बहुत सॉफ्ट रहता है, ये स्पून की मदद से अपनी दब जाता है, अच्छे से मैश हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से मैश हो गया है। इनको थोड़ा सा हम, अगर ये अच्छे से मैश नहीं होता है तो इसमें थोड़ा सा हम मिल्क और मिला भी सकते हैं, ये ज़्यादा थिक ना हो, हमारी स्किन पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। दोस्तों, इस तरह से हमारा ये फेस पैक, यानी फेस पैक भी बोल सकते हैं आपको, इस कहीं भी हाथों पर, पैरों पर, स्किन पर, अपनी नेक पर, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, इसको मैं हाथ पर भी अप्लाई करूँगी और अपने स्किन पर, चेहरे पर भी इसको अप्लाई करके दिखाऊँगी। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, इस तरह से हमें इसे
आपके पास किसी भी चीज़ का ब्रश होगा, या आपके पास कॉटन पैड आते हैं वो होगा, सिंपल रुई भी हो सकती होगी आपके पास, आप उससे भी इसे इस पैक को लगा सकते हैं। इस तरह से हमें अपनी पूरी चेहरे पर अप्लाई करना है। मेलन वाटर आपके लिए एक फूड भी है, तो आपके लिए फूड आप फ्रूट वाला पैक भी हो जाएगा कि हमें अपने स्किन पर फ्रूट भी कोई भी यूज़ किया है, और आपको ये बहुत ठंडक देगा आपकी स्किन में। बहुत ज़्यादा जो दाने दाने और धब्बे रहते हैं उससे ये भी आपकी झाइयाँ और ये सब भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो काले दाग रहते हैं वो भी इससे क्लियर हो जाएंगे। अगर इसे हफ्ते में आप दो बार अप्लाई करेंगे आपके स्किन पर, तो आपकी ये सभी चीज़ें धीरे धीरे निकल जाएंगी, साफ़ होती चली जाएंगी। इस तरह से हमें इसे अप्लाई करना है। आप अपनी नेक पर भी इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अपने हाथ पर भी, इस तरह से अपने हाथ पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाथ पर भी हमारा पैक लग चुका है। आप चाहे पूरी बॉडी पर इसको लगा सकते हैं, और स्किन पर फेस पर भी हमारे अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने ये सूखने तक, सिर्फ 10 या 15 मिनट जब तक ये हमारा सूखेगा, जब तक हमें इसे अप्लाई करके रखना है। उसके बाद अपना चेहरा नॉर्मल पानी से वॉश करना है, फिर आपका आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा पैक इस तरह से सूख चुका है। ये नेक का भी देख सकते हैं आप, स्किन का, चेहरे का भी देख सकते हैं। 15 मिनट आप चाहो 10 मिनट भी रख सकते हैं, 10 मिनट में भी आपको ये इसका अंतर दिख जाएगा, और 10 मिनट में भी सूख जाएगा, तो आप इसको 10 मिनट में भी हटा सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से आप चाहे वॉश कर सकते हैं अपना फेस अच्छे से, नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। आप चाहे अपने किसी भी कॉटन से या अपने किसी भी नॉर्मल टॉवल से अपने चेहरे पर से ये सब हटा सकते हैं। दोस्तों मैंने अपना हाथ भी वॉश कर लिया है, अपना फेस भी वॉश कर लिया है। आपको 10 मिनट में, 15 मिनट में आपका रिजल्ट ऐसा दिखेगा। आप इसे हफ्ते में अगर 2 दिन अप्लाई करेंगे अपनी स्किन पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, और ना किसी फेशियल और ना किसी आपको फेस पैक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस तरह से कोई अच्छा सा फेस पैक आपको घर में ही मिल जाए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और गर्मियों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी स्किन पर ठंडक भी देगा और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आप अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने घर में होममेड तरीके से इस तरह से अपना फेस पैक तैयार जरूर करके देखें, और अपने स्किन पर अप्लाई करके देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत ठंडा भी महसूस होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।